मैनेजर कमीशन ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो फाइनल अकाउंट बनाते वक्त हम इसको ट्रीट करते हैं, और ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसको समझने से पहले इसके थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि ये दो तरीके से आता है, मैनेजर कमीशन जो भी अलाउड किया जाता है नेट प्रॉफिट पर वो बिफोर एंड आफ्टर दोनों चार्जिंग के केसेस में आता है। मतलब जैसे लैंग्वेज ये इस तरीके की आती है कि कमीशन अलाउड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अगर बिफोर वाला केस है तो जो भी प्रॉफिट है, मान लीजिए यहां पे हमने नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज लिया है, तो उस पे उसका परसेंटेज मान लीजिए वो 5% है, तो 5% upon 100। अगर यही कंडीशन यहां पे गिवन होती है कि कमीशन अलाउड ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो यहां पे कैलकुलेशन इस तरीके से आएगी, प्रॉफिट 1 लाख रुपीज इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन 5% upon 100+1 परसेंटेज ऑफ कमीशन, मतलब 105 से इसको डिवाइड करेंगे आगे। तो एक तो ये वाला पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए, बिफोर के केस में नीचे 100 आता है और आफ्टर के केस में 100+% ऑफ कमीशन आता है। और अगर वो कहता है कि कमीशन चार्ज करो ऑन नेट प्रॉफिट विदाउट यूज वर्ड बिफोर एंड आफ्टर, तो उस केस में हम यही कैलकुलेशन यूज करेंगे, प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100। अगर वो ये दोनों में से कोई वर्ड यूज नहीं करता है तब हम नीचे 100 ही रखते हैं। अब इसको समझने का तरीका ये है, क्योंकि इसमें ना एक प्रॉमिस किया जाता है मैनेजर को बिजनेस की तरफ से कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट होगा उस पे हम आपको परसेंटेज कमीशन देंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल हम नॉर्मल तरीके से निकालते हैं, क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा उसका कमीशन नहीं बनेगा। एक बात और कि अगर लॉस हुआ बिजनेस को तो फिर इसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि लॉस होने के केस में हम कोई कमीशन मैनेजर को नहीं देते। तो अब मान लीजिए प्रॉफिट 1 लाख रुपीज है, तो अब 1 लाख रुपीज प्रॉफिट है उसको हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे, ना कि यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में। क्योंकि यहां अब हम मान लीजिए हम बिफोर वाला केस लेते हैं, तो 1 लाख का 5% कितना होता है 5,000। तो अब हम इस 1 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये इस तरीके से करेंगे, जैसे मैनेजर कमीशन 5,000 यहां पर आएगा। अब मैनेजर कमीशन इसलिए आया क्योंकि ये एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, और ये किस में से निकल रहा है, प्रॉफिट में से निकल रहा है। और अब जो बाकी का बैलेंस प्रॉफिट कितना रह गया, क्योंकि 1 लाख में से 5,000 निकाल दिया, तो बैलेंस प्रॉफिट कितना रह गया 95,000। तो अब जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 95,000 आएगा, क्योंकि ये पेड नहीं है, ये चार्ज्ड है, मतलब बोला गया कि दिया जाएगा। तो उस केस में जब तक ये पेड नहीं होता है तो एक तरीके से ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी मानी जाती है कि जो अपने मैनेजर को पेबल है, जो देनी है। तो यहां पर हम मैनेजर कमीशन को दो जगह पर ट्रीट करते हैं एडजस्टमेंट के थ्रू, क्योंकि हर एडजस्टमेंट का दो ट्रीटमेंट होता है। पहला, इसको जो भी प्रॉफिट निकलेगा उस पर कैलकुलेट करेंगे और प्रॉफिट में से उसको माइनस करके दिखाएंगे यहां पर, और जो बचा हुआ फिर उसके बाद जो इसको माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको नेट प्रॉफिट में दिखाएंगे। और दूसरा, जो भी मैनेजर का कमीशन बनता है उसको बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में लायबिलिटी के अंदर भी हम दिखाते हैं, और इस तरीके से मैनेजर कमीशन की एंट्री को कंप्लीट करते हैं।